देखो, नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन्स का। अभी तक हमने वर्क पर एनर्जी किया, वर्क एनर्जी को पेंडुलम में और बहुत केसेस में अप्लाई करके देखा। इवन स्प्रिंग भी ऐसा ही निकला, स्प्रिंग में एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही बेस निकला। और स्प्रिंग के बाद अब हम कोलिजन्स कर रहे हैं। कोलिजन्स काफ़ी लोगों को पसंद आती है क्योंकि सीधी चलती हैं। वर्क पर थोड़ा थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। उसको एक दो बार करेंगे तो अपने आप यूज्ड हो जाएंगे। सर्कुलर थोड़ा थोड़ा ट्रिकी लगता है कई लोगों को, तो सर्कुलर जो है वो रोटेशनल मोशन जब हम करेंगे अभी, उसमें ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि रोटेशनल मोशन के अंदर फिर एप्लीकेशन सर्कुलर है। तो अभी आधी हुई है, आधी अप हो जाएगी, तो रिवीजन भी हो जाएगी और आपको फायदा भी हो जाएगा। और कोलिजन्स और सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब नॉर्मल और इजी स्कोरिंग चैप्टर्स माने गए हैं, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। तो आज हम कोलिजन से स्टार्ट करते हैं। कोलिजन्स का मतलब दो बॉल्स या कोई भी दो बॉडीज का आना, उनका आपस में टक्कर होना, कोलाइड करना और फिर सेपरेट हो जाना, ये कोलिजन्स हैं। तो अब डिपेंड करता है कि कई बार दो बॉल्स की टक्कर होती है और वो आपस में एनर्जी को लूज कर जाती हैं। हो सकता है वो आपस में टक्कर करें और एनर्जी बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आपके हाथ में एक बॉल है, 10 मीटर से आपने बॉल को रिलीज कर दिया। 10 मीटर का मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, MGH, रिलीज किया, बॉल गई ग्राउंड को टक्कर मारी, वापस आ गई, वो मेरे हाथ में वापस आ गई। जबकि प्रैक्टिकली होता नहीं, किसी बॉडी को घेरो थोड़ी नीचे हाइट पर रुक जाती है, पर चलो मेरे हाथ में वापस आ गई। इसका मतलब मैंने जितनी उसको पोटेंशियल एनर्जी दी थी, उतनी ही उसने एनर्जी वापस रीगेन कर ली। इसका मतलब बॉल ने कुछ भी एनर्जी ग्राउंड को ट्रांसफर नहीं की, यानी कि सारी की सारी एनर्जी बॉल के पास ही है और वो तभी मेरी हाइट में वापस आ गई। अगर लॉस हो जाता तो कुछ हाइट नीचे वापस आती, 8 मीटर पे, 7 मीटर पे, 5 मीटर पे, जितना लॉस करती रहेगी उतनी हाइट कम अचीव करेगी। और बिल्कुल अगर 100% ही लॉस कर देगी, फिर तो जाके जमीन से चिपकी जाएगी, बिल्कुल भी हाइट अटेन नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी बचेगी नहीं। इसका मतलब तीन केस बनते हैं। पहला, कि बॉल को जिस हाइट से रिलीज किया या जो उसको पोटेंशियल एनर्जी दी, बॉल गई मेरे हाथ में वापस आ गई। इसका मतलब बॉल का एनर्जी लॉस नहीं है। इस टाइप की कोलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ही बात होती है, ठीक, देर इज नो एनर्जी लॉस। दूसरा एग्जाम्पल, बॉल को रिलीज किया 10 मीटर से, बॉल 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर पे रह गई, 10 पे नहीं आई। इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुआ। कौन सी कोलिजन हुई? इन इलास्टिक कोलिजन। तीसरा एग्जाम्पल, बॉल को रिलीज किया 10 मीटर पे, जमीन पे जाके चिपक गई, बिल्कुल भी ऊपर नहीं आई, टोटल एनर्जी लॉस। तो कौन सी कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में थोड़ा एनर्जी लॉस है, इसमें 100% एनर्जी लॉस है। और परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक एक ही बात है, उसकी दो क्लासिफिकेशन नहीं है। तो लिख भी सकते हो इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है, और लिख लेना, तो दो नाम है, या इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात होती है। और ये शीट नंबर 58 है, 58 जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। ठीक, देखो मेजरली इनमें तीन क्या क्या या दो क्या क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज हैं, यह हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कोई भी कोलिजन हो, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था, कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोलिजन को क्या माना जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चाहे एनर्जी लॉस हो या ना हो, मोमेंटम ने तो हमेशा कांस्टेंट रहना ही है। पहली सिमिलैरिटी क्लियर है। नेक्स्ट मेन डिफरेंस,
इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें लॉस है। और इसमें तो खास बात यह है कि जब इनकी टक्कर होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, इनकी पहचान ये है कि आपस में जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं उनकी सेपरेशन होती ही नहीं है। इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, चिपक जाए, अब वो बॉल चिपक ही गई अर्थ के साथ, सेपरेट ही नहीं हो पा रही, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक, टोटल एनर्जी पूरी यूनिवर्स की कांस्टेंट है, वो इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, बट प्रॉब्लम है कि यहां पर डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी, एक में कांस्टेंट है, एक में कांस्टेंट नहीं है। अब ये जो मैंने आपको समझाया कि क्या कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट नहीं, इसको मैथमेटिकली समझाता हूं और समझ में आएगा। ये तो चलो एक थ्योरी में समझा दिया, मेन मेन हेडिंग डाल दी, बट मैं इसको मैथमेटिकली समझाऊंगा। तो मैथमेटिकली समझाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मैंने कहा था मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें एनर्जी लॉस नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। जब मैं बोलता हूं मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है m1 मूविंग विद u1, m2 मूविंग विद u2, और मान लो आपस में इनकी टक्कर हो जाती है। टक्कर क्यों होगी, जब इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तभी तो इसको पीछा करते हुए टक्कर मारेगा। टक्कर के बाद इनकी नई वेलोसिटीज हो जाती है v1 एंड v2। टक्कर के बाद क्या होता है, पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसकी स्लो होती है, टक्कर होती है, फिर ये तेज चल पड़ता है और ये स्लो हो जाता है। ठीक, टक्कर से पहले ये ज्यादा वेलोसिटी है, टक्कर के बाद ये ज्यादा वेलोसिटी है। ठीक, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जब मैं बोलता हूं मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का मोमेंटम m1u1 plus m2u2। ठीक, कोलिजन से पहले दोनों बॉल्स का टोटल मोमेंटम कितना है m1u1 m2u2, कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम है m1v1 m2v2, तो इन दोनों का सम एग्जैक्टली सेम है, कोई डाउट इसमें? तो ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम फोर्स के अंदर किया था कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई डाउट इसमें? अब जब मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, उसकी कितनी, हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, टक्कर के बाद हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, इनका सम क्या रहेगा, सेम। ये हो सकता है टक्कर के बाद, टक्कर से पहले ये 10 जूल है, ये 2 जूल है, टोटल 12 जूल है, हाँ, टक्कर के बाद ये 1 जूल है और ये 11 जूल है, लेकिन टोटल सम की बात हो रही है, टोटल सम विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है, जब मैं बोलता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन तो क्या इक्वेशन बनेगी, जब मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो क्या इक्वेशन बनेगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक, अब ये कौन सी कोलिजन चल रही थी, इलास्टिक। अब मैं एग्जांपल दूंगा किसका, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में भी मान लो एक बॉल जा रही है यू वन, बॉल जा रही है यू टू, आपस में टक्कर हो गई, मैंने शो किया है टक्कर के टाइम देयर इज सम एनर्जी लॉस, हीट या साउंड की फॉर्म में एनर्जी लॉस होना ही है, लॉस हो गया, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो गई, वी वन और वी टू। तो क्योंकि इसका भी मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इसकी पहली इक्वेशन तो सेम ही लगेगी, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, कोई डाउट इसमें? लेकिन इसमें हम ये नहीं बोल सकते हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, नॉट इक्वल टू, नहीं लगानी, क्योंकि इसमें एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट नहीं हो सकती, कोई डाउट इसमें? डिफरेंस समझ में आ रहा है, इलास्टिक में ये इक्वेशन वैलिड है, इन इलास्टिक में ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, नहीं लगानी। ठीक, मोमेंटम की लग सकती है दोनों में, मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर है। अब तीसरी टाइप की कोलिजन कौन सी ली थी, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब टक्कर के बाद दो बॉडीज आपस में सेपरेट नहीं होती, या तो वो एग्जांपल लो बॉल चिपक गई अर्थ के साथ, या उससे बेटर एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर एक बुलेट आ रही है, बुलेट एक लकड़ के ब्लॉक के अंदर एंटर करती है और उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाती, और लकड़ का ब्लॉक और बुलेट इकट्ठे चल पड़ते हैं, हमने वर्क पाई एनर्जी में किया था कि इसके अंदर एक बुलेट आ रहा है, एक ब्लॉक है, उसके बाद दोनों इकट्ठे चल पड़ते हैं, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, याद है कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलती है, कॉमन वेलोसिटी का मतलब बुलेट ब्लॉक के अंदर आ चुका है, m1 प्लस m2 इकट्ठे चल रहे हैं, तो एक चीज तो हमेशा ही कांस्टेंट है कोई भी कोलिजन है, और वो क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमने वर्क पार के अंदर भी सेम इक्वेशन बनाई थी, और मैंने सेम प्रॉब्लम भी करके दिखाई थी कि टक्कर से पहले
बुलेट का मोमेंटम बोलो एम वन यू वन और ब्लॉक रेस्ट पे है तो जीरो। टक्कर के बाद क्या हुआ, दोनों के दोनों एम वन प्लस एम टू मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी वी कॉमन, तो टोटल मोमेंटम कितना एम वन प्लस एम टू इंटू वी कॉमन, तो यहां से वी कॉमन कैन बी कैलकुलेटेड। पर इसमें एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी पर मोमेंटम तीनों के अंदर कॉन्स्टेंट रहेगा। तो तीन डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज समझ में आ रही हैं, किसमें कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन लगेगी और किसमें कौन सी नहीं लगेगी, कोई डाउट इसमें? तो इंट्रोडक्शन क्लियर है इसकी, ठीक, एग्जांपल से भी और मैथमेटिकली भी। हम अपनी कोलिजन को कैसे पढ़ेंगे, बुक्स कैसी भी करती हैं मेरे को कोई फर्क नहीं है, मैं थोड़ी आसान तरीके से करवाऊंगा, बुक्स तो बहुत मिसलेनियस कर देती हैं, ईजी तरीके से मैं ऐसे करवाऊंगा। कोलिजन को मैंने की प्रॉब्लम्स को कुछ हिस्सों में बांट लिया, इलास्टिक में 1D 2D, इन इलास्टिक में 1D 2D, परफेक्टली इन इलास्टिक 1D ही आती हैं। मतलब कि इलास्टिक 1D 2D का मतलब कि एक्स एक्सिस है, बॉल पड़ी है, दूसरी बॉल आई, टक्कर हुई, तो इनकी सेपरेशन एक्स एक्सिस में ही होगी बस, तो 1D। दूसरा, और एनर्जी लॉस नहीं है। दूसरा पुल्ड, फिर से एक बॉल है, ये एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है, दूसरी बॉल पे एक्स पे है, टक्कर होती है इनकी, एक्स पे ही सेपरेशन हो जाती है, वाई एक्सिस की बात ही नहीं करनी, एक ही एक्सिस पे हो रहा है जो हो रहा है, तो वन डायमेंशन कोलिशन बोलते हैं उसे। 2D किसे बोलते हैं, पूल टेबल है, बॉल पड़ी है, आपने बॉल मारी, टक्कर हुई, एक इधर जा रही है टेबल पे, एक इधर जा रही है, तो एक्स वाई प्लेन में जा रही है, कोलिजन इन 2D, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1D करेंगे, एक बार 2D करेंगे, और हम ये इमेजिन करेंगे दोनों कोलिजन में एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं है, तो कौन सी कैटेगरी हो गई, इलास्टिक। फिर हम क्या करेंगे, इन इलास्टिक, फिर 1D करेंगे, फिर 2D करेंगे, लेकिन विद एनर्जी लॉस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, हम कैसे शुरू करेंगे, रादर हम ऐसे करेंगे, इलास्टिक 1D, इन इलास्टिक 1D, इलास्टिक 2D, इन इलास्टिक 2D, ये सीक्वेंस रहेगा चैप्टर चलाने का। पहले इजी करेंगे, 1D 1D रखेंगे, उसके बाद फिर 2D करेंगे। तो 1D का ऑलमोस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज खत्म भी हो जाएगा, है ही कुछ नहीं जब, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो 1D का मतलब एनर्जी लॉस काइनेटिक का नहीं होगा। तो शुरू करते हैं, मान लो एक बॉल है M1 मूविंग विद U1, एक M2 मूविंग विद U2, इनकी कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद वेलोसिटी V1 V2, सिचुएशन क्लियर है। तो सबसे पहली चीज हम क्या निकाल रहे हैं, अभी बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट बेसिक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वो क्या है, मोमेंटम। तो लगाएं मोमेंटम की इक्वेशन, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। क्या आपको पहली इक्वेशन क्लियर है, यहां से और यहां से M1 कॉमन तो क्या बचेगा, U1 माइनस V1, यहां से और यहां से M2 कॉमन तो क्या बचेगा, V2 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट इसमें, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 को संभाल के रख लो। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर टू में या उससे पहले काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इलास्टिक कोलिजन में, सबको मालूम है, कोलिजन से पहले एनर्जी बोलो काइनेटिक, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। तो इन्हें इक्वेट कर दें, इक्वेट करके हाफ M1 लेफ्ट की तरफ कॉमन, ये रहा हाफ M1, हाफ M1 कॉमन तो क्या बचेगा, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ M2, हाफ M2 कॉमन तो क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। दो इक्वेशंस क्लियर है, ठीक। अब एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो ये देखो, ये मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहां तक दो इक्वेशंस को डिवाइड किया, तो हाफ M1 हाफ M2 जो कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ M1 M2 कैंसिल हो गया। इसको क्या ओपन करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1, तो U1 माइनस V1 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, U1 प्लस V1, सिमिलरली यहां पर V2 प्लस U2। क्या ये पॉइंट क्लियर है, डिवाइड करके आंसर आ गया, समीत क्लियर है। तो यहां से U1 प्लस V1 V2 प्लस U2, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3।
एक नई इक्वेशन आ गई डिवाइड करके, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं कैसे, वी टू वाली और यू वी वन वाली टर्म्स एक तरफ और यू वन माइनस यू टू एक तरफ, तो रीअरेंज कर लिया, वन वन वाली टर्म एक तरफ, टू टू वाली टर्म्स एक तरफ, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब देखो सबसे पहले ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, m1 वाज मूविंग विद u1, m2 मूविंग विद u2, सिमिलरली आफ्टर कोलिजन m1 विद v1 एंड m2 विद v2, कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? अच्छा ये बताओ जब ये इसको टक्कर मारने के लिए आ रहा है तो आपको लगता नहीं कि u1 बड़ा होगा u2 छोटा होगा तभी टक्कर लगेगी, और टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, राइट? ठीक, पहले पीछे वाली की वेलोसिटी बढ़ी फिर आगे वाली की बढ़ी, ठीक है यहां तक? अच्छा ये बताओ ये इसको हिट करने आ रहा है, क्या मैं इसको एक वर्ड यूज कर सकता हूं कि ये वाला ब्लॉक इसे क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक, और टक्कर मारने के बाद ये तेज चलना शुरू हो जाएगा और ये कम, तो इनमें सेपरेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो वर्ड यूज करूं ये आपस में क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पहले क्या करेंगे अप्रोच, फिर क्या करेंगे सेपरेट। तो जब ये पास आ रहे हैं और अगर मैं ये कहूं कि इनकी पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब बड़ी में से छोटी वेलोसिटी को माइनस कर दें तो क्या आएगा, यू वन माइनस यू टू इनकी क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी पास आने की। तो दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दूर जाने की वेलोसिटी में बड़ी वेलोसिटी में से छोटी को माइनस करें तो दूर जाने की वेलोसिटी आ गई रिलेटिव, राइट? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं v2 माइनस v1 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और u1 माइनस u2 इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक हो गया? और अगर मैं इस टर्म को इसके नीचे ले आऊं पूरी की पूरी तो ये टर्म 1 बच जाएगी यहां पर, तो ये देखो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, तो रेशियो क्या आ गई 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं न्यूमिनेटर का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनकी रेशियो क्या है 1, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हम कौन सी कोलिजन पढ़ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो एक शॉर्टकट है, पहला आपको याद क्या करना है कि व्हाट इज को और इस रेशियो को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की रेशियो को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस पूरी रेशियो को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका सिंबल क्या होता है ई, छोटा ई। तो ई की डेफिनेशन क्या हुई, ई की डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये रेशियो हमेशा क्या आएगी 1। कैसे पता लगा, हमने मैथमेटिकली प्रूव करके देख लिया, पर हम रोज नहीं प्रूव करेंगे, हम शॉर्टकट याद करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई क्या होता है 1, ठीक। सबका ई 1 नहीं होता, इन इलास्टिक का 1 नहीं होता, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता उनमें 1। कोई डाउट इसमें? ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और हमने अभी एक शॉर्टकट किया, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं है ई क्या होगा 1। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। देखो आज हमने एग्जाम्पल लिया था वो बुलेट वाला, एम वन मूविंग विद यू वन, फिर हमने लिया था ये ब्लॉक है, ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन दोनों इकट्ठे चल पड़ते हैं विद कॉमन वेलोसिटी, ऐसे किया था, मतलब इकट्ठे चलने का मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट बॉडी की भी v1 और सेकंड बॉडी की भी v2, v1 v2 मैंने कॉमन ले लिया v कॉमन। समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि टक्कर के बाद सेपरेशन तो हुई नहीं, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करते जा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो अगर मैं यहां रेस्टिट्यूशन लगाऊं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, सबको पता है कि v2 और v1 की वैल्यू दोनों की सेम है, तो e क्या आएगा 0। तो एक और शॉर्टकट हो गया कि अगर 100% एनर्जी लॉस है और देयर इज नो सेपरेशन, तो अगर दोनों ब्लॉक्स में कोई भी सेपरेशन नहीं है टक्कर के बाद, तो उसकी e की वैल्यू क्या आएगी 0। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई वन है, और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई जीरो है। क्लियर है? अब वन ई वन का मतलब देर इज नो एनर्जी लॉस, ई जीरो का मतलब 100% एनर्जी लॉस। एनर्जी मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कि बुलेट ने तो चलना ही त्याग दिया ना, वो तो ब्लॉक के साथ ही चलनी स्टार्ट होगी, बुलेट तो रेस्ट पे ही आ गई है ब्लॉक के अंदर। तो इसका मतलब व्हेन देयर इज नो सेपरेशन तो ई जीरो। जैसे बॉल वाला एग्जांपल बेटर है, अगर बॉल को 10 मीटर से गिरा जाए और बॉल मेरे हाथ में वापस आ जाए, इसका मतलब कौन सी कैटेगरी है? परफेक्टली इलास्टिक। तो मेरी इस एग्जांपल में ई क्या होगा? 1। दूसरा बेटर एग्जांपल, मैंने बॉल को गिरा, बॉल चिपक गई ग्राउंड के साथ, वापस ही नहीं आई, तो इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक ई क्या? 0। और बाकी कोलिजन में बॉल 1 मीटर 2 मीटर कुछ तो आएगी, तो ई फ्रैक्शन में रहेगा, तो पता नहीं क्या होगा 0 और 1 के बीच में। 0 का मतलब बॉल का वापस हाथ में आ जाना, 1 का मतलब चिपक ही जाना। और नॉर्मली बॉल्स कुछ ना कुछ हाइट ऑटेन करती हैं, तो ई किस में रहेगा? इन फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन पूछने वाला ई की फ्रैक्शन आपको हमेशा देगा कि ई हाफ है, 1/3, 3/4, जो भी होगा, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक है ना ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये एक नॉर्मल इन इलास्टिक कोलिजन है जिसमें थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस रहेगा। पॉइंट समझ में आया कि ई हमें क्या बताता है? रेस्टिट्यूशन हमें टाइप ऑफ कोलिजन बता सकता है कि या वो परफेक्टली इलास्टिक है, या वो इन परफेक्टली इन इलास्टिक है, या फिर इन इलास्टिक है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, इसको यूज कैसे करना है अभी आज का लेक्चर वो भी बताएगा आपको। रेशियो याद हो गई ई की, और मतलब समझ में आ गया हम ई क्यों निकाल रहे हैं। नीचे क्लियर है यहां तक? तो अब नेक्स्ट, अब हम एक काम करते हैं, आगे चलने से पहले ई को ना यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो यूज करना आना ही चाहिए। तो इसको यूज कैसे करना है इसको सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, और मैंने कौन सा एग्जांपल लिया? ई किस में लगा के दिखा रहा हूं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। मुझे याद है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई क्या होता है? 1 होता है। मान लो एक बॉल है, फर्स्ट बॉडी किससे टक्कर खा रही है? ये वॉल के साथ, तो वॉल इज दी सेकेंड बॉडी। टक्कर से पहले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1, टक्कर से पहले वॉल की इनिशियल वेलोसिटी u2। वॉल तो रेस्ट पे ही है, तो वॉल का u2 क्या रहेगा? 0। बॉल का u1 कितना है? u वेलोसिटी से आ रही है वो। टक्कर के बाद दीवार को तो कोई फर्क नहीं, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 भी 0, u2 भी 0, v2 भी 0। पर बॉल रिटर्न हो रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v1 इज इक्वल v1। बॉल वापस हो रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v1, जो मुझे निकालना है। मैंने लिख दिया आंसर यहां पर ये मुझे निकालना है, फाइंड v1। ठीक, तो बॉल आई थी u के साथ, टक्कर खा के कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगी ये मुझे निकालना है। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 1, e लिख लो इज इक्वल टू 1, क्योंकि कौन सी कैटेगरी ऑफ कोलिजन चल रहा है? परफेक्टली इलास्टिक। रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? v2 - v1/u1 - u2 लिख लिया। अब पुट कैसे करना है? देखो, u2 v2 तो देखते ही 0, क्योंकि सेकेंड बॉडी तो हर वक्त ही रेस्ट पे है, तो u2 v2 तो देखते ही 0। ठीक, u1 की जगह क्या पुट करेंगे? u1 की जगह u, न्यूमिनेटर क्या आ गया? -v1, तो v1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? -u। इन शॉर्ट, अगर बॉल u वेलोसिटी से आ रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? u ही होगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि बॉल रीबाउंड हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी? चेंज। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि बॉल रीबाउंड हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, पर मैग्नीट्यूड में बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कौन सी कोलिजन पढ़ाई जा रही है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ना कोई वेलोसिटी में चेंज आएगा इसमें, ना कोई, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस ही नहीं है, जिस वेलोसिटी से बॉल गई उसी वेलोसिटी से वापस आ गई। कोई डाउट इसमें? तो मैथमेटिकली क्लियर है ये सारा पॉइंट? कैसे लगेगा यू क्लियर है? फिर करते हैं। अब मैं एग्जांपल लूंगा, कौन सा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन समझते हो कि अगर इस बॉल ने इस दीवार को टक्कर मारी तो फिर बॉल और दीवार की सेपरेशन तो हो ही नहीं सकती, पक्की बात है। तो आप कहते हो तो दीवार तो मूव ही नहीं करती, तो फिर ठीक है, बॉल भी चिपकी रहे, दीवार भी वहीं खड़ी रहे, दोनों के दोनों मूव नहीं करेंगे, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी दोनों की
जीरो, तो ई क्या जाएगा जीरो, हमने तो याद ही किया हुआ है परफेक्टली, इन इलास्टिक कोलिजन का वैसे भी ई जीरो ही होता है, क्लियर। नेक्स्ट, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक का मतलब कुछ परसेंट एनर्जी लॉस है, तो ई कुछ तो फ्रैक्शन में होगा। जैसे अगर एक बॉल है और एक ग्राउंड है, तो किन दो बॉडीज की टक्कर हो रही है, बॉल की और ग्राउंड की। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल v1, ग्राउंड की u2, v2। नंबरिंग याद हो रही है, बॉल पहली बॉडी है तो नंबरिंग 1-1, ग्राउंड दूसरी बॉडी है तो साइड नंबरिंग 2-2। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल v1, टक्कर से पहले u1, टक्कर के बाद v1, टक्कर से पहले ग्राउंड की u2, टक्कर के बाद v2। उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ग्राउंड ने कौन सा मूव करना है, तो u2 v2 देखते पुट कर देना है जीरो। और मान लो ग्राउंड और बॉल का टक्कर का रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन में गिवन है e, होगा कोई नंबर 1 by 2 3 by 4 कुछ भी है। आपको यह निकालना है कि अगर बॉल u वेलोसिटी से हिट करती है, टक्कर खाते ही जब बॉल वापस जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये u वेलोसिटी से हिट करेगी बॉल, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यू नहीं बोलना, क्योंकि अगर मैं बोलता ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और एनर्जी लॉस नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि यू हो गया डन, कि यू से आई यू से चली गई, पर इसमें यू से कम वेलोसिटी होगी क्योंकि कुछ एनर्जी तो लॉस होने वाला है, राइट। यहां तक क्लियर है? तो पहले तो इस एरो को थोड़ा बड़ा करो, यहां तक ग्राउंड तक, इस एरो को बताता हूं क्यों बड़ा करना इस एरो को, क्योंकि मैंने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्लास में, तो मैंने इतना सोचा नहीं बनाते हुए, लेकिन बहुत सही क्वेश्चन पूछा एक स्टूडेंट ने, वो कहता सर मेरे को ऐसा लगा कि आपने यू वेलोसिटी से बॉल को फेंक दिया, फिर अंडर ग्रेविटी का इफेक्ट आ गया, फिर यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, ग्राउंड पे जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। नहीं, मैंने कहा मैं ये नहीं पढ़ाना चाहता काइनेमेटिक्स की वेलोसिटी बढ़ गई, सबको मालूम है वेलोसिटी बढ़ गई, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली टक्कर से पहले उसने हिट किया था विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो प्लीज एरो को बड़ा बना लो, इसका मतलब इमीडिएटली टक्कर से पहले उसकी वेलोसिटी यू थी और इमीडिएटली टक्कर के बाद आपको वेलोसिटी इसमें निकालनी है, कोई डाउट इसमें, करें स्टार्ट। तो टक्कर से पहले वेलोसिटी कितनी है यू, और टक्कर के बाद मुझे निकालनी है, चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्टिट्यूशन ई फॉर्मूला लिख लें, v2 minus v1 divided by u1 minus u2, ये तो साफ पता लग रहा है v2 u2 दोनों जीरो, ये तो गया। u1 की वैल्यू गिवन है, टक्कर से पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी है u, तो ये माइनस वी वन बाई यू, यू इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया माइनस ई टाइम्स यू। माइनस साइन तो ये शो कर रहा है कि बॉल अगर नीचे आ रही थी तो टक्कर खाने के बाद वो ऊपर जाएगी, रीबाउंड के लिए माइनस शो किया जा रहा है, डायरेक्शन विल चेंज। मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो, जितनी वेलोसिटी से आई थी ई टाइम्स वेलोसिटी हो गई। ई टाइम का मतलब है कि वेलोसिटी, जैसे अगर ई हाफ है तो हाफ इंटू यू हो गई, शॉर्टकट हो गया कि अगर यू वेलोसिटी से बॉल आती है तो ई टाइम यू से बॉल वापस चली जाती है। जैसे शॉर्टकट है, अगर एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, शॉर्टकट कैसे लगेगा, ये ग्राउंड है टक, और रेस्टिट्यूशन आपको 1 बाई 3 गिवन है ग्राउंड का, तो बॉल अगर 10 मीटर पर सेकंड से आई तो वापस कितनी वेलोसिटी से गई, ई टाइम्स 10, डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन है वो अलग बात है, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा ई टाइम्स 10, ई की वैल्यू कितनी है 1 बाई 3 इंटू 10, तो आंसर क्या आएगा 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड तो 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, तो माइनस साइन ये शो करता है कि अपवर्ड्स है, पर मैग्नीट्यूड क्लियर है, बहुत सिंपल, आपने ई से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो बताओ फिर, अगर बॉल 100 मीटर पर सेकंड से आती है और ई की वैल्यू 1 बाई 7 है तो वापस कितनी वेलोसिटी से जाती है 1 बाई 7 इंटू 100, ई टाइम कर देना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो आज के बाद हम ये रेस्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे इन प्रॉब्लम्स में, ग्राउंड के साथ टक्कर होते ही वेलोसिटी ई टाइम हो जाती है, मैंने कहा ग्राउंड के साथ टक्कर होते ही वेलोसिटी ई टाइम हो जाती है, मैंने ये नहीं कहा कि दो बॉल्स आ रही थी ई गिवन है और सेपरेट होगी वेलोसिटी ई टाइम होगी, ये दो बॉल्स की टक्कर का एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ ग्राउंड और बॉल की टक्कर का एग्जांपल है, यहीं पे ये शॉर्टकट लगेगा, हर जगह ये शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्लियर है यहां तक, तो ये शॉर्टकट याद रहेगा। ओके, मैंने करके भी दिखाया हुआ है इसमें,
कि अगर 3 मीटर पर सेकेंड से बॉल आती है, रेस्टिट्यूशन ग्राउंड का कितना है, हाफ है, तो बोलो जाने की वेलोसिटी क्या होगी, हाफ इंटू कितना, 3, ये ना -3, माइनस साइन का मतलब रिबाउंड हो रही है। अगर किसी को ये शॉर्टकट भूल जाए, कोई बात नहीं, रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखो, v2 u2 जीरो करो, अपने आप ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर भी आ जाएगा। पर मेरे को लगता है इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे और सीधे रिजल्ट आएंगे, कोई डाउट इसमें, ठीक, ओके। ये रेस्टिट्यूशन तो बीच में ऐसे ही आ गया, हम वापस आ जाते हैं, बैक लिखा हुआ है, बैक टू इलास्टिक कोलिशन। वो तो मैं वैसे ही लगाने बैठ गया था कि चलो हर प्रॉब्लम में बार बार को क्या कौन सिखाएगा, वो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चले गए थे। वापस आ जाते हैं, हम कौन सी कोलिजन कर रहे थे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इसमें ई की वैल्यू 1 नहीं है, वैसे ही दे दिया ताकि आपको रेस्टिट्यूशन आ जाए लगाना। मैं वापस आ गया हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पे, जिसपे ई क्या था, 1। और अगर इस रेस्टिट्यूशन को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, तो हमने डिवाइड करने पे एक इक्वेशन ऊपर बनाई है, यहां से शुरू करते हैं, ये टॉपिक चल रहा था, एक इक्वेशन बनी थी बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, ये हमने अभी बनाई थी इलास्टिक कोलिजन में पहले, और एक हमने डिवाइड करने पे इक्वेशन नंबर क्या बनाई थी, 3, है ना, ऐसे क्या ना, डिवाइड करने के बाद एनर्जी के बाद 3। तो बीच में क्या आ गया था, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन को छोड़ के जब मैंने लिखा बैक ऑन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, तो मैंने रेफरेंस वहीं से पकड़ लिया कि हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी और हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई है, तो मतलब रेस्टिट्यूशन को छोड़ दें, वहीं से लिंक यहां से उठा लिया, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये 2 इक्वेशन हमने बना ली, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे और जो एप्लीकेशन है, आपको ना एक बॉल की वेलोसिटी गिवन होगी u1, आपको सेकेंड बॉल मूविंग विद u2 गिवन होगा, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन। वो कहेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है जी, इसमें e1 है, एनर्जी लॉस है ही नहीं, टक्कर के बाद बताओ v1 क्या होगा और टक्कर के बाद बताओ v2 क्या होगा, ये न्यूमेरिकल आएगा आपको, ठीक, क्लियर है यहां तक। तो आपको कोलिजन से पहले तो वेलोसिटीज दे देगा, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज निकालनी है वो आपसे पूछेगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई, बहुत बढ़िया आंसर दिया एक स्टूडेंट ने दूसरे बैच में, जब मैं टॉपिक शुरू करने लगा, वो कहता है कि इस टॉपिक में करना क्या है, v1 v2 सॉल्व करने की जरूरत क्या है। मैंने कहा वो क्यों, कहता देखो आपने 2 इक्वेशन बना तो दी, मैंने कहा हाँ ठीक, तो आपने कहता खुद ही कहा m1 m2 देगा क्वेश्चन में, u1 u2 वो भी देगा, तो यहां से v1 v2 के एक इक्वेशन, बिल्कुल सही, u1 u2 देगा, v1 v2 की दूसरी इक्वेशन, कह रहे मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा, v1 v2 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं भी ये करने वाला हूं, मैं भी ये करने वाला हूं वैसे, बट बहुत बढ़िया, एक स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि जरूरत क्या है, हम तो वैसे ही निकाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में ना इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन इलास्टिक कोलिजन, यही तो टॉपिक डेरिवेशन है, तो एनसीईआरटी में लिखो फॉर एनसीईआरटी, वैसे तो पूरी असाइनमेंट एनसीईआरटी की है, पर ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक। इवन अगर मैं कोलिजन करूं भी ना, कुछ ना करूं, तो भी मेरे आंसर आएंगे, वो क्यों, देखो अगर 5 kg की बॉल है मूविंग विद 10 m/s एंड 7 kg की बॉल है मूविंग विद 2 m/s और मुझे क्या करना है, आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2 निकालना है, तो मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे को ये तो पता है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, इक्वेशन बनाए, इसको छोड़ दें, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बनाए, मोमेंटम कांस्टेंट करें, 5 × 10 प्लस इसका मोमेंटम 7 × 2 इज इक्वल टू 5 × v1 प्लस 7 × v2, क्या पॉइंट क्लियर है, 2 इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी, सेकेंड इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, 1/2 × m × 10² प्लस 1/2 × 7 × 2² इज इक्वल टू 1/2 × 5 × v1² प्लस 1/2 × 7 × v2² तो 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v1 v2 आ जाएगा। मैं कहता हूं वो थ्योरी करने की क्या जरूरत है, हो तो क्या आंसर, ठीक, बट प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में जब हम करेंगे तो वो 2 मिनट ले लेगा, हमें मेथड चाहिए तो 30 सेकेंड में काम कर जाए, तो हम इसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला बना लेंगे,
बस उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर सॉल्व, खत्म हो जाएगा काम। तो इजी करने वाले हैं चीज को, क्लियर है यहां तक? तो इसको करने के लिए टॉपिक क्या है, टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ v1 आफ्टर कोलिजन। तो मतलब अगर ये एक्सप्रेशन आएगा तो आपने ना ये डायग्राम हर जगह बनाना ही बनाना है जो मैं शुरू में बनाता हूं। तो यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2, ठीक है यहां तक? तो ये डायग्राम आपने रेफर करना है। ओके, तो शुरू करें। वैसे तो वही टॉपिक चल रहा था, तो तभी तो कॉन्टिन्यूशन में लेके आ रहा हूं मैं। तो हमने दो इक्वेशंस निकाल ली थी, तो जब पेपर में आएगा आपको ये दो इक्वेशंस भी निकालनी पड़ेंगे पहले, तो ऊपर से ये याद थोड़ा ना करोगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, डिवाइड करके ये इक्वेशंस आएंगे। अब इनमें सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन। तो इन दोनों इक्वेशन में से बोलो किसे इलिमिनेट करूं, v2 को। v2 उड़ जाएगा तो v1 आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, आप पहले इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज लिख दो। लिख दिया, मैं किसे इलिमिनेट करूंगा, v2 को, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, v1। v2 को इलिमिनेट करने के लिए ये इक्वेशन लिखो, इक्वेशन नंबर 3 लिख दी, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज नीचे लिख दी, ये देखो, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी। एक काम करते हैं, यहां से v2 एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो u1 प्लस v1 माइनस u2, इस v2 को उठा के यहां पे पुट कर दो, पुटिंग 4 in 1, करें रिप्लेस। इस पूरी v2 की वैल्यू को यहां रिप्लेस करो तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड m1 u1 v1 m2 v2 की जगह u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2 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 2u2। क्या स्टेप क्लियर है? इसे ओपन करो, m1 u1 m1 v1 m2 u1 m2 v1 माइनस 2 m2 u2। मुझे क्या निकालना है, v1। v1 वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ कर लो। कैसे, ये देखो, ये वाला m1 v1 राइट पे ले जाओ तो v1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2, ठीक। ये टर्म क्लियर है? नेक्स्ट, इस टर्म को लेफ्ट पे ले आओ, तो यहां पर ऑलरेडी क्या है, m1 u1, यहां पर क्या है, m2 u1, इसको भी लेफ्ट पे ले आओ, तो u1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, m1 माइनस m2, इसमें से u1 कॉमन आ गया तो m1 माइनस m2, ये वाली टर्म भी इधर आ गई तो क्या बन गया, प्लस 2 m2 u2। रीअरेंजमेंट क्लियर है, आगे पीछे की है, ठीक। v1 निकालना है, m1 प्लस m2 को लेफ्ट की तरफ ले जाओ, डिवाइड करो, तो v1 क्या आएगा, दिस बाय m1 प्लस m2, दिस बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला बन गया एक्सप्रेशन फॉर v1 का, ठीक, ड्राइव हो जाएगा। और एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्मूला भी याद करेंगे, इसे कैसे याद करना है वो भी आपको समझाऊंगा। क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर है, कैसे निकला, अभी आधा आंसर आया, अभी क्या निकाला, v1। अब हम क्या निकालेंगे, v2। v2 के लिए फिर से इक्वेशन नंबर 1 लिखो, v2 के लिए फिर से इक्वेशन नंबर 3 लिखो। शुरू करते हैं, अब इक्वेशन नंबर 1 में v2 नहीं, v2 तो निकालना है, किसे इलिमिनेट करेंगे, v1 को। इक्वेशन नंबर 3 लिखें, v1 एक तरफ, u1 को राइट साइड पे ले जाओ, ये v1 आ गया। इस पूरी v1 की इक्वेशन को यहां पुट करते हैं, तो पूरा m1 u1 माइनस माइनस इस पूरी वैल्यू को यहां पुट किया तो ये टर्म आ गई, ठीक। पूरी पूरी v1 की जगह 3 टर्म्स पुट कर दी, और राइट हैंड साइड वही m2 into v2 माइनस u2 ये रहा, ठीक। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट, m1 into u1 इधर, m1 into u1 माइनस m1 into u2 माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो m1 v2 माइनस माइनस प्लस, तो m1 u1। ओपन कर लिया ब्रैकेट को, अपने तरीके से ओपन कर लेना, ओपन ही करना है, कर लोगे। राइट हैंड साइड को भी ओपन करो, m2 v2 माइनस m2 u2। कोई स्टेप में डाउट, ठीक है यहां तक? और लास्ट, क्योंकि हमने क्या निकालना है, v2, क्योंकि हमने v2 निकालना है, क्योंकि हमने v2, ठीक है यहां तक? तो देखो, इस टर्म को राइट पे ले चलते हैं, v2 कॉमन, तो क्या आएगा, m1 प्लस m2, ये कॉमन आ गया। इस टर्म को लेफ्ट पे ले चलते हैं, तो m1 u1 विल गिव
2m1 u1, और क्योंकि ये वाली जो टर्म है जब इधर आएगी तो u2 कॉमन आएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव m2 - m1। ये कुछ नहीं है, रीअरेंजमेंट है, जब घर जाके अलजेब्रा खुद बनाओगे तो अपने आप आपको स्टेप समझ में आएंगे। तो अल्टीमेटली किया कुछ नहीं, v2 वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और फिर v2 निकालने के लिए m1 m2 को इनके नीचे डिवाइड कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज आ गए v1 v2 के, छोटे ही हैं, तो इसमें v1 v2 के फॉर्मूलाज याद करने हैं आपने और ये आपके क्वेश्चंस को बहुत ईजी कर देंगे, क्योंकि अगर ये दो फॉर्मूलाज याद हैं तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें वैल्यूज ही पुट करनी है, v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ये फॉर्मूले याद कैसे करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो याद करने का तरीका देखो, हमने v1 v2 का फॉर्मूला याद करना है, लेकिन ये याद रहे ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही चलेगा जिसमें एनर्जी का लॉस क्या है, जीरो, तो E क्या है इसमें, वन, इन इलास्टिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक में नहीं चलेगा, सिर्फ इलास्टिक में। ठीक, याद करने का तरीका जो मैं यूज करता हूं, मुझे पता है कि V1 की वैल्यू दो टर्म्स में डिवाइडेड है, मुझे यह भी पता है कि इसके नीचे भी M1 M2 है, मुझे पता है इसके नीचे भी M1 M2 तो आएगा ही आएगा, ये तो याद हो गया सबको, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद अब क्योंकि यहां पर V1 है, 1 याद रखना, 1, तो यहां पर आएगा M1, 1 तो 1, M1 माइनस M2, क्योंकि ये V1 है तो यहां आएगा U1, याद रखना 1 1 1, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 U1, और यहां पर 2 टाइम्स M2 U2। अब मैं नया फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, क्योंकि ये 2 है तो M के पैर में 2 माइनस M1 2 2, तो यहां पर भी U 2 2 2 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2। अब ये U2 आ चुका तो यहां पर क्या आएगा, U1 आएगा, तो यहां पर M1, नीचे तो पता ही है क्या आना है, तो आप चेक करो, इजी हो गया, 1 1 1, ये 2 आएगा, ऑब्वियसली ये 2 आएगा तो ये भी 2 आएगा, 2 2 2, अगर ये U2 है तो U1 आएगा, ये M1 आ जाएगा, डन हो गया। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, बाकी आपका याद करने का तरीका आप जानो, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, 1 1 1 2 2 2, खत्म, जैसे मर्जी याद करो, आप देखो कैसे करना है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करना है।
देखो तो फॉर्मूलाज याद हो गए सबको। एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m के अंदर मान लो मासेस दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। तो कौन सी कोलिजन चल रही है? परफेक्टली इलास्टिक, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो एक शॉर्टकट है कि आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आएगा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो हम v1 v2 के फॉर्मूलाज में m को बराबर पुट कर लेंगे m1 is equal to m2 is equal to m। तो जब बराबर पुट करेंगे m1 is equal to m2 is equal to m, तो ये कैंसिल, तो m और m कट जाएगा, तो क्या आएगा u2। सिमिलरली नीचे वाले v2 वाले फॉर्मूले में ये वाली टर्म कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, तो क्या आएगा u1। तो मेरे पास क्या आएगा v1 is equal to u2 और क्या आएगा v2 is equal to u1। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। ये मैंने क्या बताया, तो अगर दोनों के मासेस सेम हैं, तो वेलोसिटीज दोनों की क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी, राइट? कैसे? इसका मतलब समझते हैं। मान लो एक बॉल 10 मीटर पर सेकंड के साथ आ रही थी और दूसरी 5 के साथ जा रही थी, इनकी टक्कर हो गई। क्योंकि इनके मासेस सेम है, तो लिखो यहां U1, U1 लिखना, U1 यहां पे लिखो U2, U1
यू टू, यहां लिखो वी वन वी टू, लिख लिया। अब चेक करो रिजल्ट क्या आएगा, वी वन इज इक्वल टू यू टू, चेक करो ये यू टू था, यू टू किसके इक्वल हो जाएगा वी वन, चेक कर लो वी वन इज इक्वल टू यू टू, यानी कि पांच है तो ये भी पांच, और नेक्स्ट क्या रिजल्ट आएगा वी टू इज इक्वल टू यू वन, यानी कि वी टू इज इक्वल टू यू वन का मतलब 10, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यानी कि ये शॉर्टकट है, आज के बाद अगर मासेस सेम है तो हम इन वेलोसिटीज के अंदर, हम इन वेलोसिटीज के ये जो ऊपर रिजल्ट किया हम नहीं करेंगे, हम एक ही रिजल्ट लगाएंगे कि वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अगर ये 10 है तो ये 10, ये 5 है तो ये 5, शॉर्टकट याद रहेगा। लेकिन कब लगेगा, ओनली इन परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक में नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट, जैसे अगर दो बॉल्स आपस में ऑपोजिट आ रही हैं, एक आ रही है 10, एक आ रही है 5, लेकिन मासेस बराबर है और कौन सी कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, वेलोसिटीज एक्सचेंज करो, इस 5 को इसको दे दो, इस 10 को इसको दे दो विद वेक्टर डायरेक्शन आल्सो, तो पूरी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इसे दे दो, वेलोसिटी की वैल्यू एंड डायरेक्शन इसे दे दो, यानी कि आपस में टक्कर होंगी, ये इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी, लेकिन ये जाएगी विद वेलोसिटी ऑफ 5 और ये जाएगी विद वेलोसिटी ऑफ 10, वेलोसिटीज इंटरचेंज, समझ में आ रहा है कैसे? लेकिन ये तभी लगेगा जब मास सेम है। लगाना आ गया यहां तक, इंटरचेंज समझ में आ रहा है? क्रॉस, जैसे अगर एक बॉल आ रही है अभी तो वेलोसिटी ऑफ व्हाट 10, और लेट अस सपोज इसमें जो है ये रेस्ट पे है, मासेस लेकिन बराबर है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, टक्कर के बाद क्या होगा, ये 0 रेस्ट पे आ जाएगी और ये 10, वेलोसिटी एक्सचेंज, ये 0 तो ये 0, ये 10 है तो ये 10, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अभी तक कौन सी कोलिजन कर रहे थे, इलास्टिक। अब इन इलास्टिक की जब बात करेंगे तो इलास्टिक का कोई रिजल्ट नहीं लगाना, सिर्फ एक को छोड़ के, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो भी हर जगह लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अब अगर प्रॉब्लम आती है इलास्टिक की, वो तो आपने कर ली सॉल्व, वो तो आपने कहा कि हम फॉर्मूले से कर लेंगे, खत्म होगी बात। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इन इलास्टिक का, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको लाइव वही क्वेश्चन ला के सॉल्व करने, देखो कैसे। मान लो यू वन यू टू आफ्टर कोलिजन वी वन वी टू, लेकिन इसमें इन इलास्टिक है तो देयर इज सम एनर्जी लॉस, तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वन यू वन एम टू यू टू एम वन वी वन एम टू वी टू, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की नहीं लगेगी, जो दूसरी इक्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट की नहीं लग सकती क्योंकि ये तो इनइलास्टिक कोलिजन है, तो क्या लगेगी, रेस्टिट्यूशन की। तो रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है, वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू, को डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इन्हें साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करना पड़ेगा ताकि वी वन एंड वी टू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई याद करने वाला चक्कर ही नहीं इसमें। जैसे क्वेश्चन आएगा, एक 2 केजी की बॉडी है मूविंग विद 10 एंड 1 केजी विद 5, इनकी आपस में टक्कर होती है और टक्कर होने के बाद फाइनल वेलोसिटीज आपको निकालनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेस्टिट्यूशन हाफ, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो कोई फॉर्मूला नहीं, बोलो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे, 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू वी वन प्लस 1 इंटू वी टू, सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या लगेगी इन इलास्टिक में, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद है, E इज वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है, हाफ, वी टू वी वन मुझे निकालना है, यू वन की जगह 10, यू टू की जगह 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी टू माइनस वी वन, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में वी वन वी टू वेरिएबल्स हैं, दोनों को लिख लिया मैंने, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो यहां से वी टू कैंसल, 2v1 प्लस v1 क्या बनेगा, 3v1, सॉल्व करके v1 कैन बी कैलकुलेटेड, सिमिलरली v2 कैन बी कैलकुलेटेड, मेथड क्लियर है। फिर एक बार करते हैं, मान लो दो बॉल्स आ रही हैं, इस बार सेम डायरेक्शन की जगह इस बार ऑपोजिट है, तो 5kg 10, 2kg 5, ऑपोजिट डायरेक्शन, टक्कर हो गई, v1 v2 निकाल लो, रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है, हाफ, कोई फॉर्मूला नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन, बोलो 5 × 10, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन उल्टी है, राइट की तरफ सारे मोमेंटम एंड वेलोसिटीज पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ सारे मोमेंटम एंड वेलोसिटीज नेगेटिव, तो देखो मोमेंटम इसमें
टू इंटू फाइव माइनस साइन के साथ, आफ्टर कोलिजन फाइव इंटू वी वन प्लस टू इंटू वी टू। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर? अगर ऑपोजिट है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है? यहां तक रेस्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट, रेस्टिट्यूशन में ई की वैल्यू कितने की बन है, हाफ ई, हाफ है। वी टू वी वन मुझे निकालना है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। यू वन की जगह बोलो कितना, टेन। यू टू की जगह बोलो कितना, माइनस फाइव। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये री दोनों इक्वेशंस को लिख लो, एक के नीचे एक ये लिख ली मैंने, इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करके ये मेरे पास v2 और v1 कैन बी कैलकुलेटेड। क्या आपको मेथड क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इसको कंटिन्यू करेंगे और आई होप ये बेटर है, ये ऐसे ही चलेगा, सेंट्रोमास तक चलेगा, मजे की बात है।